यूपी के गोंडा जिले में चुनावी रंजिश को लेकर सपा कार्यकर्ता ओम प्रकाश सिंह की दिन दहाड़े घर में घुसकर धारदार हथियार से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। घटना के मास्टरमाइंड उदयमान और दूसरा बदमाश रोहित को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। पुलिस अभिरक्षा में दोनों का इलाज चल रहा है। इस मामले में पुलिस अब तक 3 लोगों को जेल भेज चुकी है। 2 आरोपियों की पुलिस सरगर्मी से तलाश भी कर रही है। घटना का मुख्य आरोपी उदयमान उर्फ ललन सिंह बीजेपी के समर्थन पर परसपुर राजा टोला से सभासद है। इसमें जो मुख्य आरोपी ललन सिंह उर्फ उदयभान सिंह के ऊपर 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। एक सूचना पर जब पुलिस टीम द्वारा घेराबंदी करने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने पुलिस टीम पर फायर कर दिया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके कब्जे से एक बाइक, अवैध तमंचा और खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। इसमें जल्द से जल्द चार्जशीट भेजकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप सभी अवगत हैं, करीब 3 दिन पूर्व थाना परसपुर क्षेत्र के कस्बा परसपुर में एक ओम प्रकाश सिंह नाम के कुछ व्यक्तियों द्वारा रंजिशन और निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसके संबंध में थाना परसपुर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नामजद आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। उसी क्रम में जो वांछित अभियुक्त थे उनके तलाश हेतु कई टीमें लगाई गई थी। उसके क्रम में कल देर रात एक आरोपी हत्यारोपी रोहित सिंह वो पुलिस के मुठभेड़ में घायल हुआ था, जिसे पुलिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसमें जो मुख्य हत्यारोपी था लल्लन सिंह उर्फ उदय भान सिंह, इसके ऊपर इसकी गिरफ्तारी हेतु 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज हमारी टीमों द्वारा जब उसको घेराबंदी का प्रयास किया गया, सूचना उसके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और आत्मरक्षा की गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस की लल्लन सिंह को, जो मुख्य हत्यारोपी है, उसको गोली लगी, जिससे वो घायल हुआ है। उसे इलाज हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया है। उसके कब्जे से एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा, खोखा कारतूस पुलिस ने बरामद किया है और इस संबंध में थाना परसपुर द्वारा अग्रिम ढंग कार्रवाई की जा रही है।